हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वीर में स्वागत है आप सभी का। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम एक नई समलैंगिक कहानी लेकर आए हैं जो एक शादीशुदा मर्द की है जिसके दो बच्चे भी हैं। ये कहानी शांतनु की है। शांतनु की शादी जब हुई तब उसे लगा कि लड़की से शादी करना ही विधान है, पर उस वक्त शांतनु को ये नहीं पता था कि समाज में उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। शांतनु की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बेटा जिसका नाम अविरल था, एक बेटी जिसका नाम अवंतिका था। बेटा अपने पिता शांतनु को अपना हीरो मानता है और शांतनु भी अपने बेटे का हर शौक पूरा करता है। शांतनु की बीवी भी काफी समझदार है जो घर परिवार को समझती है। लेकिन शांतनु की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका गे होना था। शांतनु की जिंदगी में एक मर्द की कमी थी, क्योंकि शांतनु को धीरे धीरे समझ आया कि वो लड़कों के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उसने पब्लिक डे मीटिंग प्लेसेस में जाकर अपनी शौक पूरे किए, अपने अकेलेपन को दूर किया। पर ये कमी बस कुछ दिनों के लिए हुआ करती। वक्त गुजरता गया और शांतनु के बच्चे बड़े होते गए। जमाना बदलता गया। मोबाइल के आ जाने से गे फ्रेंड्स बनाना आसान हो गया। एक दिन शांतनु अपनी बीवी के साथ स्कूटी से जा रहा था, तभी उसकी बीवी ने मूवी की पोस्टर देखी जो कि एक गे पर आधारित मूवी थी। उसने शांतनु से कहा कि आजकल लोग कैसी कैसी मूवी बनाने लगे हैं, जमाना कितना खराब होता जा रहा। शांतनु बेचारा चुप रहा, ज्यादा कुछ बोला नहीं। शांतनु के साथ जब उसकी वाइफ होती तब शांतनु ज्यादा लड़कों को देखा नहीं करता था, पर उसकी बीवी ने कई बार नोटिस किया था कि शांतनु लड़कों की तरफ ध्यान देता है। एक दिन मौसी के घर शादी थी और शांतनु अपने बेटे अविरल के साथ इंदौर से उज्जैन शादी में गया। अब अविरल जो कि क्लास 8 का स्टूडेंट था, उसने देखा कि पापा दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं और मैसेज कर करके हंस रहे हैं। शांतनु के लिए ये अच्छा मौका था उज्जैन जाकर गे फ्रेंड्स से मिलने का। अविरल समझदार था और पापा को थोड़े समय के लिए भी नहीं छोड़ता था। और शादी वाले घर में शांतनु छत पर जाकर कॉल्स पर बात किया करता। अविरल को अपने उम्र के दोस्त मिल गए थे, पर फिर भी थोड़े थोड़े देर में अविरल पापा को ढूंढता पहुंच जाया करता। शांतनु हुकअप करते आया था और कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ा था, पर इस बार कोई था जिससे शांतनु पिछले 2 सालों से बात कर रहा था और वो उज्जैन का ही रहने वाला था। शांतनु के मन में बस उससे मिलने का भूत सवार था। शांतनु अक्सर लड़कों से चिपकता, उनसे बातें करता और कभी कभी जब शांतनु की बीवी बात करती रहती, शांतनु किसी लड़के को नोटिस करते पकड़ा जाता। अविरल ने भी कई बार टोका था, पापा किसे ढूंढ रहे हो, पापा किसको देख रहे हो, पर शांतनु बात घुमा दिया करता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वीर में स्वागत है आप सभी का। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम एक नई समलैंगिक कहानी लेकर आए हैं जो एक शादीशुदा मर्द की है जिसके दो बच्चे भी हैं। ये कहानी शांतनु की है। शांतनु की शादी जब हुई तब उसे लगा कि लड़की से शादी करना ही विधान है, पर उस वक्त शांतनु को ये नहीं पता था कि समाज में उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। शांतनु की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बेटा जिसका नाम अविरल था, एक बेटी जिसका नाम अवंतिका था। बेटा अपने पिता शांतनु को अपना हीरो मानता है
और शांतनु भी अपने बेटे का हर शौक पूरा करता है। शांतनु की बीवी भी काफी समझदार है, जो घर परिवार को समझती है। लेकिन शांतनु की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका गे होना था। शांतनु की जिंदगी में एक मर्द की कमी थी, क्योंकि शांतनु को धीरे धीरे समझ आया कि वो लड़कों के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उसने पब्लिक डे मीटिंग प्लेसेस में जाकर अपनी शौक पूरे किए, अपने अकेलेपन को दूर किया। पर ये कमी बस कुछ दिनों के लिए हुआ करती। वक्त गुजरता गया और शांतनु के बच्चे बड़े होते गए। जमाना बदलता गया। मोबाइल के आ जाने से गे फ्रेंड्स बनाना आसान हो गया। एक दिन शांतनु अपनी बीवी के साथ स्कूटी से जा रहा था, तभी उसकी बीवी ने मूवी की पोस्टर देखी, जो कि एक गे पर आधारित मूवी थी। उसने शांतनु से कहा कि आजकल लोग कैसी कैसी मूवी बनाने लगे हैं, जमाना कितना खराब होता जा रहा। शांतनु बेचारा चुप रहा, ज्यादा कुछ बोला नहीं। शांतनु के साथ जब उसकी वाइफ होती तब शांतनु ज्यादा लड़कों को देखा नहीं करता था, पर उसकी बीवी ने कई बार नोटिस किया था कि शांतनु लड़कों की तरफ ध्यान देता है। एक दिन मौसी के घर शादी थी और शांतनु अपने बेटे अविरल के साथ इंदौर से उज्जैन शादी में गया। अब अविरल, जो कि क्लास 8th का स्टूडेंट था, उसने देखा कि पापा दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं और मैसेज कर करके हंस रहे हैं। शांतनु के लिए ये अच्छा मौका था उज्जैन जाकर गे फ्रेंड्स से मिलने का। अविरल समझदार था और पापा को थोड़े समय के लिए भी नहीं छोड़ता था। और शादी वाले घर में शांतनु छत पर जाकर कॉल्स पर बात किया करता। अविरल को अपने उम्र के दोस्त मिल गए थे, पर फिर भी थोड़े थोड़े देर में अविरल पापा को ढूंढता पहुंच जाया करता। शांतनु हुकअप करते आया था और कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ा था, पर इस बार कोई था जिससे शांतनु पिछले 2 सालों से बात कर रहा था और वो उज्जैन का ही रहने वाला था। शांतनु के मन में बस उससे मिलने का भूत सवार था। शांतनु अक्सर लड़कों से चिपकता, उनसे बातें करता, और कभी कभी जब शांतनु की बीवी बात करती रहती, शांतनु किसी लड़के को नोटिस करते पकड़ा जाता। अविरल ने भी कई बार टोका था, पापा किसे ढूंढ रहे हो, पापा किसको देख रहे हो, पर शांतनु बात घुमा दिया करता। शांतनु ने अपने बेटे अविरल से बहाना बनाकर उस खास इंसान से मिलने गया। शांतनु कई लोगों से मिला था, पर ये उन सबसे अलग था। उसने एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाया। शांतनु ने उसे सिर्फ फोटो में देखा था, बाकी उसकी बातों का शांतनु कायल हो चुका था। शांतनु शादी वाले घर से आया था, इसलिए पिंक कुर्ते में वो अपने खास गे क्रश से मिलने गया और उसे सामने से देख उसका दीवाना हो गया। उसका नाम मुकुल था। मुकुक नौजवान खूबसूरत मर्द था, जिससे बात किए बिना शांतनु एक दिन भी नहीं रह सकता था। मुकुल की शादी 2 बार टूट चुकी थी, क्योंकि मुकुल किसी न किसी बहाने से शादी तोड़ दिया करता। शांतनु ने पहली ही मुलाकात में मुकुल को चूमना चाहा, पर मुकुल काफी समझदार था। मुकुल ने पहले ही कहा था कि वो सीरियस रिलेशनशिप चाहता है, और शांतनु ने एक झूठ बोला था मुकुल से उसका डाइवोर्स होने वाला है और बीवी बच्चों से नहीं बनती। शांतनु ने ये झूठ सिर्फ मुकुल को पाने के खातिर बोला था, क्योंकि बात करते करते शांतनु को समझ आ गया था कि मुकुल को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। अब उस दिन शांतनु और मुकुल पूरे दिन साथ रहे। मुकुल को कई बार शांतनु ने मनाने की कोशिश की और होटल में चलकर प्यार भरी बातें करने को कहा, पर मुकुल बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। शांतनु बस एकांत में मिलने की जिद करता रहा।
शांतनु पागल हो चुका था मुकुल से मिलने के बाद। अब शाम होने को आई और शांतनु के बेटे अविरल ने बहुत बार कॉल किया और उसकी बीवी ने भी, पर शांतनु ने मुकुल के सामने किसी का भी कॉल नहीं उठाया। अब जब शांतनु को लगा कि बात नहीं बनेगी, वो मुकुल से गुस्सा होकर मौसी जी के घर लौट आया और फिर अविरल ने पापा से पूछा कि कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं परेशान हो गया था। शांतनु ने शादी वाले घर के लिए गिफ्ट और काम का बहाना बनाकर सब टाल दिया। अब अविरल ने मम्मी को कॉल करके शादी वाले घर आने को कहा। अगले दिन अविरल ने पापा पर पूरी नजर रखी और वो फिर जाने वाले थे। अगले दिन हल्दी था और उस दिन मुकुल मेहमान बनकर आया। शांतनु खुशी से झूम उठा था क्योंकि मुकुल ने सरप्राइज दिया था और शांतनु को मनाने की कोशिश करता दिखा। शांतनु मान गया क्योंकि मुकुल मिठाई लेकर आया था और फिर दोनों हल्दी से रंगे हुए छत पर गए और मुकुल ने शांतनु को मनाने के लिए एकांत में छत पर किस किया, जिसे अविरल ने छुप कर देख लिया। अब आगे जो हुआ हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव।